हाय एवरीवन, आज मुझे ये तुलसी लगानी थी तो नहाने के बाद मैंने सोचा पहले ये लगा लूँ फिर बाकी काम करूँ। तुलसी लगाने के लिए कल मैं ये पॉट्स लाई थी। यहाँ घर के पास में एक शॉप है, वहाँ आते जाते मैंने बहुत सारे पॉट्स और प्लांट्स वगैरह देखे थे, पर ये वाले पॉट्स नहीं देखे थे मैंने। जैसे ही मैं वहाँ लेने गई, फर्स्ट टाइम मैंने देखा और मुझे ये पसंद आ गए। इनके अलावा भी मुझे वहाँ बहुत सारे पॉट्स अच्छे लगे, वहाँ बहुत सारे पॉट्स एंड प्लांट्स वगैरह हैं, तो मैं वहाँ से अभी बस ये दो पॉट्स लाई हूँ। एक और प्लांट लेना था पर मुझे इतनी इनकी नॉलेज नहीं है अभी, तो तुलसी ही लाई हूँ। फिर कभी जाऊँगी तब दूसरा लेकर के आऊँगी। घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए, इनको अच्छे से लगाना और इनकी केयर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा तो करनी ही चाहिए, पर इनके अलावा इनके खाने के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। घर में तुलसी के रहने से फैमिली में ग्रेट हैप्पीनेस एंड वेल्थ ला सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग तुलसी एक बहुत ही शुभ पौधा है। इनके लीव्स खाने से डाइजेशन इम्प्रूव करने में, डायबिटीज से फाइट करने में, स्ट्रेस बीट करने में तो हेल्प करते ही हैं, पर ये हेयर एंड स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ऐसे प्लांट्स सबके घर में होने ही चाहिए। आप लोगों को कौन कौन से प्लांट्स पसंद है अपने घर में लगाना ये तो बताना ही, पर साथ में प्लांट्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ टिप्स वगैरह भी बताएं तो वो भी कमेंट में मेंशन कर देना। और प्लांट्स लगाने के बाद मैंने मेरे नेल्स देखे, थोड़े छोटे बड़े हो गए थे और गंदे भी हो गए थे, तो आज इन्हें कट भी कर सकते थे, तो मैंने थोड़ा बहुत कट किया और इनको क्लीन किया। नेल्स छोटे बड़े कैसे भी हों, इन्हें क्लीन साफ सुथरे रखने चाहिए। हमारे यहाँ थर्सडे एंड सैटरडे को नेल्स नहीं कट करते हैं और काफ़ी हद तक मैं ये फॉलो भी करती हूँ। घर में भी अगर कोई इस दिन कट करता है तो मैं अपनी तरफ से तो उन्हें मना करती ही हूँ, मानना ना मानना ये तो उन पर ही डिपेंड करता है। और थोड़ा शेप वगैरह देने के बाद मैंने नेल पेंट अप्लाई कर लिया था। ब्लिस क्लब से मैंने ये कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे और मैं इन्हें एक बार देख भी चुकी हूँ। इनमें से एक मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में पहना भी था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। इनकी स्टाइल एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा यूनिक है और मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि इस बार मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहला ये जो मैंने पहना हुआ है ये है मूव ऑल डे पैंट। इसमें 5-6 कलर्स हैं। मुझे ये बुलबुल बर्गंडी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है और इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। स्ट्रेची वेस्ट बैंड है एडजस्टेबल ड्रॉ स्ट्रिंग्स के साथ। 100% कॉटन फैब्रिक है, स्ट्रेट रिलैक्स्ड फिट, पूरे दिन इसे आराम से पहन के रख सकते हैं। बाहर जाना हो फ्रेंड्स लोगों के साथ, कॉलेज या शॉपिंग करने, तो ये किसी भी टॉप के साथ आप पेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, ब्रीदेबल एंड लाइट वेट फैब्रिक है। नेक्स्ट है ग्रोविन कॉटन लेगिंग्स। इसमें भी प्यारे प्यारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैंने ये बरखा ब्राउन कलर स्मॉल साइज में लिया है। कॉटन सॉफ्ट फैब्रिक है 92% कॉटन के साथ। हाई वेस्ट है और एक ही जगह टिका रहता है, ऐसे बार बार ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड में पॉकेट्स हैं, फ़ोन कीज पैसे वगैरह कैरी करना हो तो ईजिली कर सकते हैं। ब्रीदेबल, सॉफ्ट एंड सुपर कम्फर्टेबल है। बहुत सारे ऐसे लेगिंग्स होते हैं ना जिनमें आगे शेप बन जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग हमें हैक्स ट्राई करने पड़ते हैं, पर इनमें इलॉन्गेटेड गसेट की वजह से कैमल टो की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ये अल्टीमेट शॉर्टीज। इसमें मैंने पहले ब्लैक कलर में लिया था, इस बार ब्लूम ब्लू लिया है। सेम स्मॉल साइज में ही है, हाई वेस्ट, मिड थाई लेंथ है और इसमें भी कैमल टो नहीं होता है। क्लाउड सॉफ्ट फैब्रिक है, इसके साइड में पॉकेट एंड बैक पे जिपर्ड पॉकेट है, कुछ भी इजीली कैरी कर सकते हैं। लो टू मिड इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट है। जिम के लिए आप इसे अपने लॉन्ग टी शर्ट या क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये द अल्टीमेट कम्फर्ट स्पोर्ट्स ब्रा। इसमें वाइड सपोर्टिव स्ट्रैप्स हैं, फुल कवरेज देता है और इसमें कवर्ड अंडरबैंड भी है। वर्कआउट के टाइम ये इधर उधर नहीं होगा। सेम ये भी क्लाउड सॉफ्ट फैब्रिक है और क्रॉप्ड लेंथ है, पूरे दिन के लिए कंफर्टेबल है और लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट है। इसमें जो पैड्स हैं वो आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल बर्खा ब्राउन शेड में लिया है। इसके अलावा इसमें और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉर्ड सेट क्रिएट करने के लिए इसे लेगिंग्स पैंट के साथ भी पेयर कर सकते हैं। लास्ट है ये द ब्रीजी टू वे टॉप। इसमें मेरे पास ये रिच और रस्ट कलर है। इसमें भी इतने अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस हैं कि मैं कंफ्यूज थी कौन कौन से कलर लूँ, फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया।
ये भी स्मॉल साइज है, ड्रॉप्ड शोल्डर्स, रिलैक्स्ड फिट है और ये आप चाहे ओपन रखें या फिर पीछे नॉट करके भी स्टाइल कर सकते हैं। सिर्फ जिम में ही नहीं, इसे बाहर भी पहन के जा सकते हैं पैंट्स लेगिंग्स वगैरह के साथ। लास्ट टाइम मैंने ब्लिस क्लब से पैंट लेगिंग्स एंड शॉर्टीज ट्राई किए थे, इस बार ये, और ये भी मुझे बहुत पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चेक करना मत भूलना। ये मैट आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि मैंने कहाँ से लिया, इसका लिंक दे दूँ, तो रिसेंटली मैंने ये डीमार्ट से लिया है। अभी तक तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है, पर इतने दिन में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है, तो अगर आप चाहें तो डीमार्ट से ले सकते हैं। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, पर बिना थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग या वर्कआउट वगैरह किए लगता ही नहीं है कि वर्कआउट किया है। आज मैंने 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज किए हैं। वर्कआउट करने के बाद नीचे मैं फ्रूट्स लेने गई थी, फिर ओट्स बनाया। ओट्स के लिए मुझे बनाना चाहिए था तो वही लेने में गई थी, क्योंकि इसमें मैं शुगर गुड़ वगैरह मिक्स नहीं करूँगी तो थोड़ा स्वीट करने के लिए बनाना ठीक रहेगा। ओट्स मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है, बहुत कम ही खाती हूँ, और यहाँ मैंने अभी ऐसी ही चीज़ें रखी हैं जो इंस्टेंट बन जाए, बाकी खाना वगैरह सब वो वाले घर में ही बनता है तो मैं वहीं खाती हूँ। मिल्क बॉयल करके उसमें मैंने 2-3 स्पून्स ओट्स मिक्स किए हैं, और मैं ज़्यादातर यही मिल्क वाला बनाती हूँ जिसमें मिल्क कम और पानी ज़्यादा होता है। मसाले वाला मैं बहुत रेयरली बनाती हूँ। ओट्स ऐसे मैं बिना उसमें कुछ मिक्स किए खा नहीं सकती हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाले और ये बनाना बस। ये खाने के बाद हेयर वॉश करूँगी और रेडी होके जाएंगे हम लोग हेयर कट करवाने। बहुत दिन से प्लान था जाने का, पर कोई ना कोई काम आ जा रहा था तो जा नहीं पा रही थी मैं। आज मैं, मेरे सिस्टर, भाभी, भाई और मम्मी, हम सब लोग जाएंगे, लेकिन हेयर कट सिर्फ हम चारों को ही करवाना है। भाई हम लोगों को कंपनी देने जा रहा है, कंपनी नहीं, एक्चुअली हेयर कट करवाने के बाद हमें थोड़ा शॉपिंग भी करना था, पर इसी में लेट हो गया तो शॉपिंग नहीं कर पाए थे हम लोग। हम सबको ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है हमने हेयर कट नहीं करवाया है। हेयर कट के लिए हम लोग सीवुड्स में गए थे। जब मेरे भाई की शादी थी तब मैंने करवाया था, और मेरी भाभी ने अपने ही शादी में करवाया था। मेरी बहन का मैंने किया था और मम्मी ने उस टाइम नहीं करवाया था, एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था और मम्मी पहले ही गाँव जा चुकी थी तो मम्मी ने उस टाइम नहीं करवाया था। तो उसके बाद से हम सब एक साथ अब करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस ट्रिम करवाएंगे और स्ट्रेट एक लेंथ में रखेंगे। मैं तो हर बार ऐसा ही करवाती हूँ, बस फ्रंट से कभी मैं लेयर कट करवा लेती हूँ या फिर बैंग्स करवा लेती हूँ। आज मैं बस स्ट्रेट कट करवाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करवाऊँगी। जूही हर बार मुझसे ही करवाती थी कट, क्योंकि पार्लर में इसके हेयर को ना ज़्यादा छोटा कर देते थे तो इसे भरोसा नहीं होता था। तो मैंने इस बार बोला कि नहीं, इस बार हम लोग सब जाएंगे पार्लर में, वहीं से ही हेयर कट करवाएंगे। हेयर कट होते होते ही जूही रोने लगी थी कि मेरा ज़्यादा हेयर कट हो गया है। फिर हम लोगों ने उसे समझाया कि वो डैमेज हो गए थे हेयर, उनका निकलना ज़रूरी था और अब अच्छे हो गए हैं, तो भी वो मानी नहीं। 2-3 दिन तक मुझे सुनाती रही कि अब तुझ पे भरोसा नहीं करूँगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी हेयर कट करवाने। बहुत रो रही थी पर अब समझ गई है। फिर रो रही थी, पता है, हाँ आंसू बह रही थी। हमें कमी तो है। मम्मी आओ। मम्मी का लास्ट टाइम जब कट हुआ था, आई थिंक मेरे किसी एक मौसी की शादी थी तब मैं गई थी मम्मी के साथ, तो उस टाइम पे मम्मी का स्ट्रेट कट करवाया था, उसके बाद अब कट हो रहा है। मम्मी तो बोल रही थी मेरे ज़्यादा हेयर शॉर्ट हो जाएंगे चलेगा, पर अभी मुझे नहीं रखना है इतने लॉन्ग हेयर। मैंने बोला थोड़ा सा ही ट्रिम करवाओ, ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा ही ट्रिम करवाया था। भाभी का पहले स्टेप कट था, आई थिंक लेयर कट था वो, और इस बार हम लोगों ने स्ट्रेट कट करवाया है। उनको भी स्ट्रेट कट चाहिए था तो बस थोड़ा सा लेंथ ट्रिम करके स्ट्रेट कट करवाया है।
जूही का भी थोड़ा ही कटवाया, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहाँ चलूं, मेरी बारी नहीं आएगी। लास्ट में आई मेरी चांस, वहाँ दो ही लोग थे हेयर कट करने के लिए, एक ऑलरेडी बिजी थे तो यही हम सबका हेयर कट कर रहे थे। भाभी का हेयर दूसरे वाले ने किया था क्योंकि तब तक वो फ्री हो गए थे, और मैं वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं ही सबका रिकॉर्ड कर रही थी, अगर मैं चली जाती तो फिर कौन रिकॉर्ड करता। फिर जब मेरी टर्न आई तो जूही, भाभी, भाई सब ने थोड़ा थोड़ा मेरा रिकॉर्ड किया था। मेरे सबसे छोटे ही रहेंगे जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उससे, ठीक है। मैं हमेशा बहुत सोचने के बाद कटवाऊँ ना कटवाऊँ, मतलब ज़्यादा लेंथ ना कट जाए, अच्छा कटेगा नहीं कटेगा, इतना सब सोचने के बाद फिर प्लान करती हूँ कि हाँ अब जाऊँगी। कहीं ख़राब कटता है तो एक साल लग जाता है मुझे दोबारा हेयर कट का मन बनाने के लिए। मेरे हेयर मैंने जितने उन्हें बोले थे ना, उन्होंने उससे ज़्यादा कट किए हैं, बट कोई बात नहीं, बाल ही हैं, वापस ग्रो हो जाएंगे। जब मेरा हेयर कट हो रहा था तो कोई भी वहाँ पे नहीं था, सब गायब हो गए थे, पता नहीं क्या, और मुझे पीछे से नहीं दिख रहा था। उन्होंने मुझे दिखाया था कि इतना कट करना है, मैंने बोला नहीं इतना ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा कम कर दो, तो उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया उसको। इसलिए मेरी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, पर कोई ना, माफ़ किया मैंने उन्हें, क्योंकि मुझे पता है मैं इनकी केयर करके लॉन्ग कर लूँगी। वहाँ वो पार्लर में बोलते कि आप जो भी खा रहे हैं आपके सिर्फ बालों को जा रहा है, मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता है, आपके बालों में ना सबसे लास्ट में पहुँचता है, तो जो भी मैं खा रही हूँ वो इनफ अमाउंट में खा रही हूँ, तभी वो मेरे हेयर तक पहुँच रहा है और मेरे हेयर इतने लॉन्ग हो रहे हैं। हेयर लॉन्ग या थिक से ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होने चाहिए, तो थोड़े थोड़े टाइम में आप उन्हें ट्रिम करवा सकते हैं, इससे आपके हेयर ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और स्टाइल करने में भी फिर इजी हो जाते हैं। मैं साल में एक बार ही कट करवाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को 6 मंथ में करवाना होता है, किसी को 8, तो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो इस हिसाब से अपने हेयर को ट्रिम करवाते हैं। लेट हो गया था तो थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में दोनों मिलकर मेरा हेयर ब्लो ड्राई कर रहे थे, और यहाँ थोड़ा मैं डर भी गई थी कि मेरा हेयर ब्रेक ना हो जाए ऐसे करने में। मेहनत नहीं है ज़्यादा, आप लोगों के नेचुरल स्टेट, तो ब्लो ड्राई की कोई इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ हम सबके हेयर की भैया तारीफ कर रहे थे कि आप सबके हेयर नेचुरली स्ट्रेट एंड सिल्की है। चल तुझे अच्छा खाना खिलाएंगे, दिल का रास्ता या दिमाग का रास्ता पेट से नहीं। मम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? मंजु तुझे कैसा लगा? क्या? बाल के पैके से पूछ। मैंने तो कटाया नहीं है। तूने ही कटाया, तू ही बोल रहा था ना और काट दो और काट दो। घूमते घूमते हम लोग टॉप फ्लोर पे पहुंचे, वहाँ वेज रेस्टोरेंट है तो हम लोग वहीं गए थे। भाई और भाभी अपने एनिवर्सरी पे पहले भी आए थे यहाँ पे, पर मैं, मम्मी और जूही फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए थे। हेयर कट होने के बाद हम लोग खाने गए, मम्मी का फास्ट था तो फ्रेश जूस लिया था उनके लिए, और हम सब ने नान, पनीर की सब्ज़ी, राइस वगैरह खाए और फिर घर आ गए थे। तो अब आज की वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye.